Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. I am Ashu Sisodia. Today we are here with a new interesting topic of science, changes around us. So my dear students, you all have already seen different changes and a lot of changes in your surrounding, like changes in weather condition, growth of a plant, growth of human beings as well animals. So today, in this chapter, we will describe these changes. So let's start. How to make changes take place? Look, some changes are reversible and some are irreversible. Whatever you have seen in your surrounding, so some of them are reversible changes and some of them are irreversible changes. So some changes takes place on heating, on cooling, on pressure and on mixing. So we have studied many examples of changes. Let us know how these changes take place, some ways by which we can bring about changes are heating, cooling, applying pressure and mixing. So let's study them in detail. So आपने बहुत से changes अपने surrounding में देखे होंगे, आप अपने घर में भी बहुत से चेंजेस देखते होंगे. सो ये जो चेंजेस होते हैं, ये कैसे होते हैं? सो गाइस, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस होते हैं, जस्ट लाइक चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग. कुछ चेंजेस जो कि गर्म करने से चीज़ों को या फिर उन्हें ठंडा करने से होते हैं. सो व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अफेक्टेड in one or the other way. So heat affects various things in the following ways. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, सो वो उसे एक या एक से ज़्यादा तरीकों से अफेक्ट करता है जो आप गर्मी देते हैं. सो किसी चीज़ को गर्म करना, किसी ऑब्जेक्ट को हीट देना कैसे उसकी स्टेट को या उसकी कंडीशन को अफेक्ट करता है? सर्टेन थिंग्स becomes hot on heating and cold on cooling. When we heat water, temperature of water rises and it becomes hot. So objects become hot on heating. Similarly, when we keep water in a refrigerator for some time, the temperature of water falls and it becomes cold. So objects become cold on cooling. So कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्म करने पर गर्म हो जाती हैं और ठंडा करने पर, उनको कूलिंग देने पर वो ठंडी हो जाती हैं. जैसे जब आप पानी को गर्म करते हैं गैस स्टोव पर या उसको हीट देते हैं, तो वो पानी गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ जाता है. सो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. सो कुछ चीज़ें हीटिंग करने पर हॉट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं. वैसे ही जब वाटर को आप कूलिंग देते हैं या उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो कूल हो जाता है, उसका टेम्परेचर फॉल्स या डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है. सो कुछ चीज़ें ठंडा करने पर ठंडी हो जाती हैं. सो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग गोज ऑन इन नेचर एज वेल. द डेज आर वार्म ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड द नाइट आर कूल एज देयर इज नो हीट. Land breeze and sea breeze are also caused by heating and cooling of land and sea water or ocean water. So ये जो process है चीज़ों को गर्म करने का या ठंडा करने का, ये nature में भी carry on रहता है, continuously चलता रहता है. जैसे आप winter season में या फिर summer season में देखेंगे, जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं. क्यों? क्योंकि जो सन होता है उसकी सनलाइट से हमको हीट मिलती है. सो सनलाइट की हीट की वजह से दिन गर्म होते हैं. बट नाइट में सन नहीं होता है, नाइट में मून होता है. सो नाइट इसलिए ठंडी होती हैं क्योंकि वहाँ सन की कोई भी हीट आपको नहीं मिलती. सो दैट्स व्हाई नाइट में नाइट कूल होती हैं. वैसे ही जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती हैं, वो भी हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट पर ही वर्क करती हैं या डिपेंड होती हैं. जैसे
ओशन वाटर और सी वाटर है या लैंड है, धरती है, जब वो गर्म होती है तो लैंड ब्रीज चलती है और जब वो ठंडी होती है तो सी ब्रीज चलती है. सो नेक्स्ट इज सर्टेन थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. सो नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज एक्सपैंड एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपैंड मीन्स होता है फैलना, एक्सपेंशन, जब कोई चीज़ फैलती है. और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना, जब कोई चीज़ सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. लाइक आपने पानी लिया, एक आपने एक फ्राई पैन में पानी आपने हीट उसको करना, हीटिंग देना स्टार्ट किया. कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो पानी कम हो जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है. और जब एक जो बर्फ़ का टुकड़ा है, आइस आप पीस लेंगे आइस का, उसको जब आप हीट करेंगे या उसको आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखेंगे रूम टेम्परेचर पर, सो वो उसमें पानी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है. सो एक्सपैंड मीन्स फैलना. सो देयर आर मैनी मटीरियल्स दैट एक्सपैंड, इट मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग, एंड कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स डिक्रीज इन साइज ऑन कूलिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय सम एग्जाम्पल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. आप घर में देखते होंगे जो घी होता है, या फिर जो आप जो भी आप जैसे घी खाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में जो घी है वो जब हम डब्बे में रखते हैं, वो घी कैसा हो जाता है? मेल्ट हो जाता है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जम जाता है, सिकुड़ जाता है, कैसा होता है? आपने देखा होगा विंटर सीजन में जो घी है वो जम जाता है, बट समर सीजन में, गर्मियों में जो घी है वो पिघला रहता है. सो मींस समर सीजन में उसको हीटिंग मिल रही है, हीट मिल रही है प्रॉपर, तो इसलिए वो एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है. बट विंटर में उसको हीट नहीं मिलती है, उसको ठंडक मिलती है, कूलिंग होती है. सो दैट्स वाई वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अपनी स्टेट में. सो ऐसे ही कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं जब हम उनको गर्मी देते हैं. जैसे आयरन और एल्युमिनियम है, जब वो गर्म होते हैं तो वो फैलते हैं, और जब वो ठंडे होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाते हैं. दैट्स वाई जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा गैप रखा जाता है, क्योंकि जब रेलवे ट्रैक्स गर्म हो जाते हैं गर्मी में तो वो फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं. दैट्स वाई उनके बीच में गैप रखा जाता है, क्योंकि जब विंटर आती है तो वो सिकुड़ जाते हैं, और अगर आप उनके बीच में गैप नहीं रखेंगे तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका चांसेस बढ़ जाएगा. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम्स ऑन अ बुलक कार्ट व्हील. इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में तो ऐसे वुडन व्हील्स देखने को कम मिलते हैं, बट अगर आप कोई पुरानी मूवी देखेंगे या फिर आप कोई बुक में आप पढ़ेंगे किसी कोई स्टोरी, तो आप देखेंगे कि उसमें पहिए होते थे, रथ चलते थे. आपने महाभारत वगैरह में देखा होगा, रामायण में देखा होगा. सो बुलक कार्ट्स हैव वुडन व्हील्स. दीज वुडन व्हील्स आर फिटेड विद आयरन रिम्स to make them last longer, and the iron rims is made slightly smaller in size than the wooden wheel. The iron smith means lohar heats this iron rim uniformly over a dry dung cake fire. On heating, the iron rim expands and becomes somewhat सो आयरन बुलक कार्ट जो होती है उसमें वुडन का पहिया चलता था, व्हील चलता था. सो उस व्हील में आयरन रिम्स फिक्स होते हैं. सो वो कैसे फिक्स किए जाते हैं? ये जो वुडन व्हील्स होते हैं, लकड़ी के पहिए होते हैं, इनमें जब आयरन व्हील, आयरन रिम्स जो फिट किए जाते हैं, वो क्यों, कैसे फिट करेंगे? देखिए, जो वुडन व्हील है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा बनाया जाता है आयरन रिम्स से. वुडन व्हील की लाइफ को बढ़ाने के लिए या उसको लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए वुडन व्हील पर आयरन रिम्स चढ़ाए जाते हैं या उनका यूज़ किया जाता है. सो आयरन रिम जो है वो वुडन व्हील से थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है. दिस इज़ आयरन व्हील एंड दिस इज़ वुडन व्हील, दिस इज़ आयरन रिम.
सो आयरन रिम थोड़ा स्मॉल बनाया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ वुडन व्हील साइज. सो जब आयरन स्मिथ या लोहार को एक पहिया बनाना होता है, उसको व्हील बनाना होता है, सो वो इस आयरन रिम को गर्म करता है और इसको हीटिंग देने पर ये फैल जाता है. इट एक्सपेंड्स और जब ये फैल जाता है तो इसको आसानी से इस वुडन व्हील के ऊपर फिट किया जा सकता है. देन ये जब फिट हो जाता है तो आफ्टर दैट इसके ऊपर कुछ पानी की कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रिंकल किया जाता है, उसको छिड़का जाता है. सो आफ्टर दैट ये ठंडा हो जाता है और कूलिंग होने पर ये अपने एक्चुअल साइज़ में, जो इसका एक्चुअल साइज़ था जो कि ये वुडन व्हील से छोटा था, उस साइज़ में आ जाता है और फिर ये वुडन व्हील के ऊपर बिल्कुल टाइटली एकदम फिट हो जाता है. सो इस तरीके से वुडन व्हील बनाए जाते हैं विद एन आयरन रिम. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इंसर्टिंग ऑफ आयरन ब्लेड. सो आयरन ब्लेड क्या होता है? देखिए ये जो है आयरन ब्लेड्स, ये यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में. सो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं. सो टूल्स सच एज स्पेड्स एंड प्लॉज आर यूज फॉर डिगिंग द सॉइल. द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग ओवल शेप्ड होल. हेयर इज होल इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड लाइक दिस. दिस इज वुडन हैंडल. So it has to be fixed in this hole, and this is iron blade which is made of the metal iron. And normally the ring is made slightly smaller in size than the wooden handle. The iron smith heats this ring of the iron blade over dry dung cake fire. On heating, the ring expands and becomes somewhat bigger in size. So now the wooden handle easily fits into the hot ring. Then water is poured over the hot rings to cool it. When the ring cools down, it contracts and fits tightly on the wooden handle. So just like a wooden wheel and iron rim, same process aapko follow karna hai in this case. So how can you fix wooden handles in iron tools? So students, isko banane ke liye jo iron blade hota hai, usme ek ring hota hai aur ring इस वुडन हैंडल के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है साइज में. सो जब इस वुडन हैंडल को आयरन ब्लेड में फिक्स करना होता है तो आयरन स्मिथ इस आयरन ब्लेड को हीट करता है, हीटिंग देता है, गर्म करता है. एंड आफ्टर हीटिंग इट बिकम्स बिगर इन साइज फ्रॉम एक्चुअल साइज. सो ये एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड देन ईजीली वो इस वुडन हैंडल को आयरन रिम का जो होल है उस आयरन ब्लेड का होल में फिक्स कर देता है. और उसके बाद इसको कूलिंग करने के लिए इस पर थोड़ा पानी छिड़का जाता है एंड आफ्टर पावरिंग द वाटर इट गॉट्स इट्स एक्चुअल साइज. ये इसके अपने एक्चुअल साइज में आ जाता है. एक्चुअल साइज में आने के बाद ये इस वुडन हैंडल में एग्जैक्टली फिक्स हो जाता है बिकॉज वुडन हैंडल था वो साइज में बड़ा था एंड जो होल है वो साइज़ में छोटा है. सो जब ये अपने एक्चुअल साइज़ में आएगा तो ये बिल्कुल वुडन हैंडल पे फिक्स हो जाता है और आप जो फार्मर्स होते हैं वो इजीली अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ फील्ड्स में कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ सर्टेन थिंग्स चेंजेस देयर स्टेट. सो हाउ कैन इट पॉसिबल दैट समथिंग फ्यू थिंग्स कैन चेंज देयर स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग? Yes, students, it is possible. So we know that heating and cooling can change the state of matter. आपने देखा होगा अभी पीछे, आपने अभी पढ़ा है previous topic में कि कैसे heating पर चीज़ें expand होती हैं, उनकी change state में change हो जाता है. So अभी वो expand और contract हो रहे थे but now you will study about the changing of states of matter. So you know that how many states of matter? Actually, in this class, you will study about only three states. But there is another two states are, first of all, solid state, liquid state and gaseous state. You will study in this class. But in higher classes, you will study about two more states. That is plasma and fifth state is Bose-Einstein state. So now,
कैसे चीज़ें स्टेट चेंज करती हैं. सो वी नो दैट हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर. फॉर एग्जाम्पल ऑन हीटिंग आइस विच इज़ इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इन टू वाटर. यू हैव सीन एट योर होम जब आप बर्फ को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं और जब वो रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो क्या बन जाता है, वाटर, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स सॉलिड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इन टू लिक्विड स्टेट. एंड वैन यू बॉइल दैट वाटर इट बिकम्स वाटर वेपर, मीन्स इट चेंजेस इन टू गैसियस स्टेट. सो सिमिलरली ऑन कूलिंग स्टीम मीन्स देयर इज स्टीम. सो गाइज इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स यू कैन मेक वाटर फ्रॉम गैस और वाटर वेपर, और यू कैन मेक वाटर वेपर्स फ्रॉम आइस विच इज़ इन सॉलिड स्टेट. सो सिमिलरली ऑन कूलिंग स्टीम गैसेस स्टेट चेंजेस टू वाटर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, एंड देन वाटर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट चेंजेस इन टू आइस विच इज़ अ सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर. सो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे या रूम टेम्परेचर पर रखेंगे वो वाटर बन जाता है. देन वाटर को जब आप बॉयल करेंगे तो बॉयल करने पर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वो गैस में कन्वर्ट हो गया हीट करने पर. एंड देन अगेन फिर से आप जो गैसेस स्टेट है उसको कूल करेंगे, कूलिंग देंगे तो वो वाटर बन जाएगा. एंड देन उसके बाद जब आप वाटर को अगेन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है. सो गर्ल्स आप इसको अपने घर पर भी आप कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कैसे वाटर वेपर से आप अगेन आप पानी बनाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड व्हेन यू बॉइल वाटर और यू गिव हीट टू वाटर इट बिकम्स वाटर वेपर्स. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेपोरेशन. सो आप क्या देखते हैं, जब आप किसी कप में दूध या फिर चाय रखते हैं उबला हुआ गर्म, उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दीजिए उस कप के ऊपर. आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन सी देयर ऑन योर प्लेट दैट देयर इज सम वाटर ड्रॉपलेट्स, मीन्स वाटर वेपर ऑफ टी और मिल्क चेंजेस इन टू वाटर ड्रॉपलेट्स. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ सर्टेन थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग. कुछ चीज़ें हीट देने पर, हीटिंग करने पर जल जाती हैं, जलना शुरू हो जाती हैं, बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं. सो व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल कैंडल, पेपर, कोल और केरोसिन. नाउ व्हाट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस? कंबस्टिबल मीन्स विच इज एबल टू बर्न, मतलब जो जल सके. सो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो जल सकती हैं, कंबस्टिबल होती हैं, जैसे कैंडल, पेपर, कोल, कोयला, केरोसिन. जब उनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, दे स्टार्ट बर्निंग. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी बर्न अ पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश, एंड व्हेन वी बर्न काउ डंग और बफेलो डंग इट बिकम्स ऑल्सो इनटू ऐश. एंड बट व्हेन वी बर्न वुडन पीस इट बिकम्स इन कोल, वो कोयला बन जाता है. एंड प्लीज हियर इज़ अ एक्टिविटी डू एट योर होम विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ योर एल्डर. सो जस्ट यू हैव टू लाइट अ कैंडल, टेक अ कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन लाइट दिस कैंडल एंड ऑब्जर्व इट. आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द साइज ऑफ कैंडल चेंजेस. दिस चेंजेस इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मीन्स एक बार अगर आपकी कैंडल जल गई है वो वापस से अगेन कैंडल नहीं बन सकती है. लाइक आप जैसे एक बार आप आइस को हीट करके आप वाटर वेपर बना देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर देन वाटर वेपर, अगेन आप उस वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन वाटर को फिर अगेन आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट आप कैंडल के केस में या फिर पेपर आप जब जलाएंगे, व्हेन यू हीट अ पेपर इट बिकम्स एस, वो राख बन जाता है. Then you cannot change that ash into again a clean paper. So means अगर आप किसी चेंज को, आप किसी भी चेंजेस जो होते हैं उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वापस उसी मोड में नहीं कर सकते हैं, सो दैट चेंजेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड देन राइट ऑल्सो अ कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी.
Thank you, my dear students. I hope you would like this video. And if you like this video, please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.